इस एल्बम का नाम है बड़े बेवफा हो तुम। एक्चुअली इस एल्बम का थीम ऐसा है कि एक लवर उसको उसकी माशू का धोखा दे के जाती है किसी और के साथ में, तो अनायास ही उसकी आंखें नम है और साथ में वो जब देख रहा है समा, उसके दिल में बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं, बहुत सारे विचार आ रहे हैं और उसके ऊपर में ये एल्बम बना हुआ है। और उसमें बहुत बारीकियों से उसके मन की जो भावनाएं हैं उसको यहाँ पर पेश करने की कोशिश की गई है गीत के द्वारा। तो गायक के तौर पर क्या आपका ये पहला गाना है या आपने पहले भी कई गाने गाए थे? अच्छा, एल्बम के तौर पर तो ये मेरा सबसे पहला ही एल्बम है। वैसे मैं ऑर्केस्ट्रा में, कॉलेज में, स्कूल में बहुत गाने गा चुका हूँ और उसी लिहाज से मेरे दिल में एक तमन्ना थी कि इस एल्बम को इस तरीके से पेश किया जाए ताकि हिंदुस्तान की पूरी जनसंख्या, जितने भी जनता है, जितने भी हमारे चाहने वाले हैं, वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा चाहें। तो कौन सा म्यूजिक एल्बम लेबल निकाल रहा है इस एल्बम को? कौन सा म्यूजिक कंपनी ने जो प्रोड्यूस? एल्बम है ये इसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो है कैलाश मासूम जी है और इन्होंने मेरे को इस एल्बम में गाने के लिए जो मौका दिया है इसके लिए मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि साधना सरगम जैसे महान गायक गायिका के साथ में उन्होंने मुझे लॉन्च किया फर्स्ट टाइम, तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि इतने महान गायिका के साथ में मुझे आज इस एल्बम में गाने का मौका मिला है। तो ये एल्बम कैसे सीडी के तौर पे आ गया, इसका वीडियोस भी आएगा कुछ? इसका तो पहले ऑडियो सीडी आ रहा है अच्छा, और उसके साथ में जैसा ये फेमस होगा या लोगों को जैसा पसंद आएगा तो उसको हम वीडियो सीडी में भी इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आज जो है ये पहला रिकॉर्डिंग है पहला गाना का, या और भी कोई गाना रिकॉर्ड हो चुका है इस एल्बम का? नहीं, ये तो आज का पहला ही मुहूर्त आज का ही था और अच्छा इस लिहाज से आज से शुरुआत हुई है अच्छा और अभी बहुत सारे गाने बाकी है तो दर्श और 3-4 गाने और हैं, मेरे 7 गाने टोटल, उसमें साधना जी के 3 गाने डुएट में हैं मेरे साथ, बाकी 4 गाने हैं वो सोलो है। तो श्रोताओं को कब तक सुनने मिलेगी ये एल्बम मार्केट में? ये तो आपको प्रोड्यूसर जी से पूछना अच्छा पड़ेगा क्योंकि वो इस पे ज़्यादा अच्छी तरह से आपको बता सकेंगे। अच्छा इसके अलावा और कुछ का शौक है आपको, मतलब गाने के अलावा और कुछ करते हैं आप, हाँ, एक्टिंग मैं वगैरह? गाने के अलावा मैं एक्टिंग में भी बहुत शौक रखता हूँ अच्छा और मेरे 2 गुजराती पिक्चर हिट हो चुके हैं, अच्छा अब ये तीसरा हिंदी पिक्चर आने वाला है अच्छा और उस हिसाब से मैं अपनी कोशिश करता हूँ कि भारत की जनसंख्या ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेन हो, उनके सारे टेंशन ख़त्म हो जाए और वो खुशी से जिए, अच्छे तरीके से उनके साथ में उनकी ज़िंदगी गुजरे, ये मेरी कोशिश रहती है। शुक्रिया।